मजाक बना के रख दिया है आपने कानून का। आप अभी मेरे अपहरण की रिपोर्ट लिखिए वरना मैं एसपी साहब से बात करूं। अरे मैडम जी, आप एसपी साहब को बीच में ना लाओ। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आज शाम तक गजोधर को किसी भी हालत में गिरफ्तार करूंगा। ये वादा आपने पिछली बार भी किया था, क्या परिणाम हुआ उसका? आप अभी एसपी साहब को फोन लगाइए और मेरी बात करवाइए। मैडम आप तो फोन लगाइए। मैडम जी फोन इंगेज आ रहा है, बात ना हो पाएगी। मैं ही उनसे बात कर। अरे मैडम जी, अब वही मैंने फोन लगाया था ना, फोन तो अरे आप हेलो हेलो सर, सर मैं गांव धूलाराव से सरकारी टीचर आशा बात कर रही हूँ। हाँ आशा जी बोलिए। सर मैं पुलिस स्टेशन में सरपंच और उसके भाई गजोधर के खिलाफ 3 बार रिपोर्ट दर्ज करवा चुकी हूँ, मगर अभी तक यहाँ कोई एक्शन नहीं लिया गया। और सर कल तो हद ही हो गई, उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की, मेरी इज्जत पे हाथ भी डाला और मेरा अपहरण भी करके ले गए। और सर मैं किसी तरह स्कूल के बच्चों की मदद से छूटकर यहाँ आई। मुझे सरपंच और उसके भाई गजोधर से मेरी जान को खतरा है सर, और यहाँ पे पुलिस स्टेशन में कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं। सब प्लीज आप इस मामले में दखल दीजिए वरना वो लोग मुझे मार डालेंगे। आप ऐसा मत सोचिए, आपके साथ कुछ भी नहीं होगा, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब मेरी भी तो है। थैंक यू सर। ठीक है, इंस्पेक्टर से बात कराइए। जी सर। जय हिंद सर। अरे काम चोर, पिछली बार मैंने तुझे आशा की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी थी ना, फिर भी बदमाश सरेआम बदमाशी करते ही जा रहे हैं। अरे मुझे तो लगता है तुम सब लोग उससे मिले हुए हो। अरे मैं तुझे ईमानदारी से ड्यूटी ना करने, रिश्वत खोरी और अपराधियों के साथ देने के जुर्म में सस्पेंड कर दूंगा। ये लीजिए मैडम, ये रहा रजिस्टर और ये रहा पेन।